अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग की दुआ से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ प्यार भरा मोहब्बत का शरबत, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और इस टाइप से मैं शरबत आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो मोहब्बत का शरबत है बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करता है और एनर्जेटिक भी है। अगर आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आते हैं या रिलेटिव आते हैं तो आप इसे बनाकर ज़रूर दे सकते हैं। और ये शरबत को फैमिली फ्रेंड के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। और मैं शरबत को बनाना शुरू करती हूँ। अब मैं चलती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने तरबूज 800 ग्राम लिए हैं और इसे बड़े क्यूब में मैंने कट कर दिया है। इसके बीज को मैंने बिल्कुल रिमूव कर दिया है, आप देख सकते हैं एक भी बीज है नहीं। तो 600 ग्राम तरबूज को मैंने बड़े क्यूब्स में काटे हैं और 200 ग्राम तरबूज को मैंने चॉप कर लिए हैं। तो इसे मैं शरबत में ऐड करूंगी और जो बड़े क्यूब है उसका मैं एक जूस रेडी कर लूंगी। तो चलते ही इसका जूस रेडी मैं कर लेती हूं। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका हम जूस रेडी कर लेते हैं। सारे इसको तरबूज को मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके साथ इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टी स्पून चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पे तरबूज बहुत ही ज़्यादा मीठा था इसलिए मैंने 2 ही चम्मच मैंने इसमें डाला है। तो ये देखिए जूस हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे एक साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर मिल्क लिया है। मिल्क को मैंने ऑलरेडी पहले ही बॉयल करके मैंने ठंडक कर दिया है। तो ये जूस मैंने रेडी किया था, अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अब इसमें मैं डालूंगी रूअफज़ा सिरप, और ये आपके पास अगर रोज़ सिरप है तो वो भी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टी स्पून रूअफज़ा सिरप इसमें ऐड करूंगी, क्योंकि ये तरबूज बहुत ही मीठा था और इसमें और चीनी भी मैंने ऐड कर चुके हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है इसके कलर और भी मिठास चाहिए तो इसमें और दे सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी चॉप किए हुए तरबूज, सबको इसमें डाल दीजिए। और थोड़े से मैं इसमें बचा लूँगी इसे गार्निशिंग के लिए। तो आप इसे अच्छी तरह से दम मिला लीजिए। आप इसमें सब्जा सीड भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी रिफ्रेश फील होगा। अब इसमें मैं डालूँगी आइस क्यूब। प्यार भरा मोहब्बत का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। आपके यहाँ कोई भी अचानक गेस्ट आ गए हैं तो आप उसे बनाकर झटपट बना के दे सकती हैं पीने के लिए, एकदम बिल्कुल रिफ्रेश फील हो जाएगा। ये खासकर मैं रमज़ान के मौके पे बनाई हूँ। आप इफ्तार के वक्त पियेंगी तो 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकती हैं। चॉप किए हुए तरबूज से मैं इसे गार्निशिंग कर दूंगी। तो आई होप आपको ये मेरी शरबत की रेसिपी पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि शरबत की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।